हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले लेसन नंबर 3 क्लास 6 का जो लेसन नाइन है जो हमारा वो है फाइबर टू फैब्रिक। और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट करना। मतलब फाइबर क्या होता है, आपका जो रॉ मटेरियल होता है जैसे हमारे कपड़े का या किसी धागे का जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम फाइबर कहते हैं, ठीक है। उस फाइबर को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारा कॉटन है, कॉटन का जो पौधा होता है, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, कॉटन मतलब रुई, रुई को हम उसके फ्रूट के जो बीज होते हैं वहाँ से हम निकालते हैं, तो वो क्या एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। उस रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, फाइबर कहते हैं, ठीक है। उस फाइबर से अब हम उसको कई प्रोसेस करके, जैसे एक वीविंग प्रोसेस है, नाइटिंग प्रोसेस है, ठीक है, इन प्रोसेस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको एक यार्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि क्या, हम एक रॉ मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, एक रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम उसको एक इसमें सिंगल यार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इस सिंगल यार्ड को लेके हम क्या कर रहे हैं, उसको या तो बुनाई के प्रोसेस से या फिर सिलाई के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, उसको एक क्लोथ तैयार करते हैं, है ना। पहले एक रॉ मटेरियल लिया, उसका हमने यार्ड तैयार किया, ठीक है। यार्ड के यूज से हम क्या करते हैं, एक पूरा क्लोथ तैयार करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वैरायटीज इन फैब्रिक्स। अब देखो, हम जो कपड़े पहनते हैं, कई तरह की वैरायटीज है फैब्रिक्स, ठीक है। कोई अलग तरह का फाइबर फैब्रिक है, कोई अलग तरह का फैब्रिक्स है, मतलब कि कपड़ों के टाइप्स बहुत है, है ना। जैसे कि आपका कॉटन का हो गया, जूट का हो गया, है ना, या फिर पॉलीमर्स का हो गया, है ना, पॉलिस्टर का हो गया, सारी इसका, ठीक है। तो वो वैरायटीज ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यार्न के बारे में, तो यार्न क्या चीज़ है, जैसे कि मैंने बात बताया, एक कॉटन का जो एक थाला होता है उसको एक राउंड टाइप में लपट जाता है, जिसको हम ऊन बोलते हैं, ठीक है। यानी इस सिंगल यार्न को हम नंबर ऑफ राउंड में लपेटते हैं, है ना। यानी एक सिंगल धागे को हम एक राउंड शेप में लपेटते हैं उसका, ऐसे, है ना, जिसको हम ऊन का गोला बोलते हैं ना, वो उसी को हम क्या कहते हैं, यार्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं फाइबर्स। देखो फाइबर्स क्या, फाइबर्स मैंने जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है जिससे हम अपना कपड़ा तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है। अब देखो, कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। अब देखो नेचुरल फाइबर्स की बात करो, तो नेचुरल फाइबर्स का मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिले, वो हम किसमें डिटरमाइन करते हैं, नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि मैं बात करूं नेचुरल फाइबर्स की, तो देखो नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से मिले, है ना, नेचर से मिले, हमें अपनी प्रकृति से मिले, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमें मिलते हैं प्लांट से, दूसरा हमें मिलता है एनिमल्स, है ना। एक है प्लांट से मिले, एक एनिमल से मिले। अब देखो, जो प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। प्लांट से जो मिलते हैं हमें, उनका नेम अगर बोल ले, कॉटन, जूट, ठीक है, ये तो ऐसे हैं फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से देखो, एनिमल से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है, कॉटन, जूट, प्लांट से मिल गया, सिल्क और वूल ला सकते हैं, है ना, वूल, WWL, ठीक है। तो देखो नेचुरल फाइबर्स में हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्लांट में कॉटन और जूट और एनिमल के अंदर सॉरी सिल्क है, सिल्क, सिल्क एंड वूल हमें ये मिलता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा, ये हमारा नेचुरल फाइबर्स है। ऐसी अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें, तो सिंथेटिक फाइबर में क्या होगा, ऐसे फाइबर जो ना तो हमें नेचर से मिले, ठीक है, नेचर मतलब ना तो हमें प्लांट से मिले और ना ही एनिमल्स, ठीक है, उसको खुद ही किसी केमिकल प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद है प्लांट फाइबर्स। देखो प्लांट फाइबर जैसा भी मैंने बताया, प्लांट फाइबर कौन कौन से होते हैं, कॉटन और जूट, ठीक है, ये दो टाइप्स ऐसे हैं जो हम प्लांट फाइबर्स में डिवाइड, ठीक है।
और देखो जो कॉटन अगर हमें चाहिए कहीं से, तो इसका भी एक प्लांट होता है, उसके जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट का जो बीज होता है, उस बीज के अंदर ये उसके अंदर रॉ में भरे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको वहां से तोड़ लेते हैं और उसी को फिर कई प्रोसेस के थ्रू हम उसका यार्ड बनाते हैं, ठीक है। ऐसी जो जूट का भी प्लांट होता है, जूट का प्लांट, वो जूट हमें मिलता है कहाँ से है, जो हमारा प्लांट होता है उसकी स्टेम से, यानी उसके तने से, उसके तने से हमें जूट मिलता है, ठीक है। ये फ्रूट से मिलता है और ये स्टेम से मिलता है, ठीक है। और जो एनिमल की बात करें, एनिमल में जो सिल्क मिलता है वो एक कीड़े का नाम है कोकून, है ना, सिल्क वर्म जिसे कहते हैं, उससे हमें सिल्क मिलता है। और वूल, वूल तो हम जैसे कि याक से, ठीक है, शीप से, गॉट से, जो हेरी वाले गॉट्स होते हैं, हेरी वाले शीप होते हैं ना, उससे हम क्या करते हैं, एनिमल से हम वूल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट प्लांट फाइबर हो गया, ठीक है। तो सातवा है हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग कॉटन यार्न का मतलब क्या है, हम कॉटन को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसको एक ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसके थ्रू वो यार्न में कन्वर्ट हो जाए, है ना। स्पिनिंग कॉटन यार्न मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉटन को इसमें कन्वर्ट करना है यार्न, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक। दूसरा देख, यार्न टू फैब्रिक, अब हम क्या कर रहे हैं, यार्न से फैब्रिक में कन्वर्ट कर, तो यार्न से जैसे हमने धागा बना लिया, है ना, अब धागे से हम क्या कर रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं। तो उसका हम क्या करेंगे, वीविंग प्रोसेस है, नाइटिंग प्रोसेस है। वीविंग प्रोसेस में क्या करते हैं, देखो वीविंग प्रोसेस में क्या होता है, ये करते हैं वीविंग प्रोसेस। देखो वीविंग प्रोसेस में क्या होता है, हम दो यार्न यूज करते हैं, है ना, कितने यार्न यूज करेंगे, दो, टू यार्ड्स, ठीक है, दो यार्ड्स यूज करके हम फैब्रिक बनाएंगे, है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, दो सुए लेते हैं, उसमें दो यार्ड लगाते हैं, फिर उसको बुनते जाते बुनते जाते, है ना। तो उसको हम दो यार्ड यूज करके हम विभिन्न प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एक फैब्रिक तैयार, ठीक है। दूसरा है हमारा नाइटिंग प्रोसेस। दूसरा क्या है हमारा, नाइटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एक सिंगल यार्ड यूज करते हैं, वीविंग में दो यूज करते थे, अब इसके अंदर नाइटिंग में हम सिंगल यार्ड यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सिंगल यार्ड यूज टू मेक फैब्रिक। हम क्या कर रहे हैं, सिंगल यार्ड यूज कर रहे हैं फैब्रिक बनाने, इसमें नाइटिंग प्रोसेस, वीविंग में दो करते थे, नाइटिंग में सिंगल कर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे चैप्टर के, हमने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद जो ये हमारा चैप्टर है वो कम्प्लीट।